बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राजू था। राजू एक बहुत ही हंसमुख और मिलनसार लड़का था। उसके गांव में उसका एक ही सच्चा दोस्त था जिसका नाम मोहन था। राजू और मोहन हमेशा साथ रहते थे, खेलते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। गांव के पास ही एक घना जंगल था जिसमें कई जानवर रहते थे। गांव के लोग हमेशा अपने बच्चों को जंगल में न जाने की चेतावनी देते थे क्योंकि वहां के जंगली जानवरों से खतरा था। एक दिन राजू और मोहन अपने खेत में काम कर रहे थे, अचानक राजू की नजर जंगल की ओर पड़ी और उसने देखा कि एक हिरण पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। राजू को हिरण पर दया आ गई और उसने मोहन से कहा, मोहन हमें उस हिरण की मदद करनी चाहिए, चलो उसे पानी पिलाते हैं। मोहन ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, राजू हमारे माता पिता ने हमें जंगल में न जाने के लिए कहा है, हमें उनकी बात माननी चाहिए। लेकिन राजू की दया भावना ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसने कहा, मोहन अगर हम इस निर्दोष प्राणी की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा, चलो जल्दी से पानी लेकर आते हैं। दोनों दोस्त पास की नदी से पानी लेकर जंगल में हिरण के पास गए। जैसे ही उन्होंने हिरण को पानी पिलाया, हिरण की जान में जान आई और वह खुशी खुशी झूमने लगा। राजू और मोहन को बहुत खुशी हुई कि उन्होंने किसी की मदद की। अगले दिन जब राजू और मोहन अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी अचानक एक बड़ा तूफान आया। तूफान के कारण एक पेड़ गिर गया और राजू उसके नीचे फंस गया। मोहन ने बहुत कोशिश की लेकिन वह अकेले राजू को नहीं निकाल पा रहा था। तभी वह हिरण जिसे उन्होंने पिछले दिन पानी पिलाया था वहां आया और उसने अपने तेज सींगों से पेड़ को उठाने की कोशिश की। हिरण की मदद से मोहन ने राजू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। राजू और मोहन ने हिरण का धन्यवाद किया और उसकी मदद को कभी नहीं भूले। इस घटना के बाद राजू और मोहन की दोस्ती और भी गहरी हो गई। उन्होंने सीखा कि सच्ची दोस्ती और मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब आप किसी की सच्चे मन से मदद करते हैं, तो प्रकृति भी आपकी मदद करने में पीछे नहीं रहती।